जी अस्सलाम वालेकुम, क्लास शुरू करते हैं। क्या भाई लेक्चर नंबर? ओए होए 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 होए। अच्छा आज क्या दिन है? थर्सडे है। ठीक है तो उनके लिए तो ऑनलाइन वालों का तो आज फ्राइडे होगा, ऑनलाइन वालों का फ्राइडे होगा। तो बहरहाल उसमें यह है कि सैटरडे को हम इंशाल्लाह एक छोटी मोटी सी क्लास रख लेंगे 3:15 बजे, जिसमें पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 आपको कराया जाएगा। ओके वो होमवर्क दे दिया जाएगा आपको फ्राइडे को। तो चलें छोड़ें, अभी आगे की प्लानिंग छोड़ें, अभी फ़िलहाल CA करें, IAS 12 निकालें, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये इस सवाल में अगर कोई मसलन साइल हैं इनको देख लें दोबारा, कल जो हम क्लास में सवाल कर रहे थे क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। इस क्वेश्चन में हमने एक बात ये सीखी थी कि टी अकाउंट बनाना है, टी अकाउंट बना के या P&L बैलेंसिंग आना है या कैश बैलेंसिंग आना है, और P&L जहां आएगा बैलेंसिंग उसे करंट टैक्स में रिवर्स कर देने और कैश को रिकॉर्ड कर देने। P&L अगर खर्चा हो तो ऐड करके उलटाना है, P&L अगर इनकम हो तो लेस करके उलटानी है। खर्चा पे करें तो माइनस करके रिकॉर्ड करने, इनकम रिसीव करें तो ऐड करनी है करंट टैक्स में। और जब टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, चांद पे चले जाएंगे, तो टैक्स बेस होगी 0। और दूसरा रेट चेंज वाली बात देखी थी हमने, तो भी इतना जानदार सवाल नहीं था ये। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 निकालें आज। आज का होमवर्क है आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5। फिलहाल पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 निकालें। कितने लोगों ने कर लिया 5? हाथ खड़ा हो गया था, टैली भी हो गया था। चलें फिर डिस्कस कर लेंगे, कल आप आखिरी में डिस्कस करें क्योंकि सारे करके नहीं आए। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 0। सवाल की रिक्वायरमेंट ये हल्का फुल्का हमने किया हुआ सवाल, कंप्यूट द डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, यानी एज ऑन या DTE? एज ऑन 31/17। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज ऑन 31/17। एक बहुत अच्छी आपकी रिवीजन हो जानी है पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स की। रोज लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/17। सिर्फ डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग बनानी है, बल्कि वो भी वर्किंग में नहीं करेंगे, हम मेन फेस के ऊपर ही करेंगे। आंसर नंबर 9, डेफर टैक्स। अच्छा अगर कभी ऐसा होना तो ये ऊपर विशद नाम लिख दिया करें, रोज लिमिटेड, और ये नोट कुछ नहीं है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन की वर्किंग है बस, ना नोट है ना P&L है ना बैलेंस शीट है, ये तो एक वर्किंग है सर। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/17। अगर टाइम मिला तो बता दीजिएगा, आज टेस्ट डिस्कस करेंगे। पिछले वाला तो IAS 21 वाला मैंने नहीं डिस्कस करना, वो आप खुद ही जान मारे, ये जो अभी पिछला टेस्ट IAS 12 वाला ये डिस्कस करेंगे, वरना आज ना टाइम मिला तो कल कर लेंगे। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस। अच्छा इसमें ना डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैं टैक्स रेट का कॉलम भी डालने लगा, और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या निकल आएगा, टैक्स। एक कॉलम मैंने नया डाला टैक्स रेट वाला। चलें लेट्स स्टार्ट। आपने ले लिया था कल वाला लेक्चर? ओके पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% एक्सेप्ट अदरवाइज। क्या मतलब एक्सेप्ट रेट अदरवाइज? अनलेस कि मैं कोई और रेट कह दूं, कहते हैं वरना रेट कितने परसेंट है? 30%। ड्यूरिंग द ईयर RL इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन। काली पट्टी IFRS वाली जनरल एंट्री बताएं जल्दी 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 जल्दी। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 15 मिलियन। ये IFRS वालों ने एंट्री कर लिया, डन क्लियर। ड्यूरिंग द ईयर RL इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन। क्या करेंगे ये, क्या अज्यूम करेंगे? खर्चे पेबल होते हैं अगर सवाल सेलेक्ट हो जाए, खर्चे पे हो जाते हैं अगर सवाल नहीं, पेबल कभी नहीं अज्यूम करना। सवाल में सेल दी हुई अज्यूम करें कैश सेल है, सवाल में कोई खर्चा दिया हुआ अज्यूम करें कैश में पे हो गया, सवाल में रेंट दिया हुआ अज्यूम करें कैश में पे हो गया। बाय डिफॉल्ट आप चीजों को अज्यूम करते हैं पे हो रही है साथ साथ, ये नहीं अज्यूम करते पेबल है। तो ड्यूरिंग द ईयर RL इनकर्ड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन, तो एक्सपेंस डेबिट
कैश क्रेडिट, अगर लिखा होता ना आरएल एक्रूड एन इन्वेस्टमेंट, वो तो एक्रूड का लफ्ज तो पेबल के लिए चला जाता फिर, इनकर्ड का मतलब होता है आपने खर्चा किया बस, तो किया तो बुक का एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये किसने एंट्री की? आईएफआरएस वालों ने। मैं आपके समझने के लिए, सिर्फ आपके समझने के लिए ये एंट्री कर रहा हूं, एज पर आईएफआरएस हमारा साल कौन सा है? 2017। आईएफआरएस वालों ने क्या एंट्री की है जी? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से जी? 15 से। ये हमने एंट्री की है। ओके, काली पट्टी हटाएं। दिस कॉस्ट, ये 15 इज टू बी अलाउड, शुक्र है परमानेंट डिफरेंस नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं इसको माइनस कर लो, इज टू बी अलाउड एज खर्चा, कहते हैं कोई मसला नहीं, इसको खर्चे के तौर पे माइनस करो। ओए ओए, कहते हैं 5 सालों में से खर्चे में डालो, कितने सालों में? 5। अब ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पेएबल है, इट विल बी अलाउड व्हेन इट इज पेड, इस तरह की कोई अंग्रेजी नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट, इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूअल एंड प्रीपेमेंट। कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई कि जब ये पे हो जाए तब खर्चे में डालो, जब ये हो जाए तब खर्चे में डालो। टैक्स वालों ने कहा यार ये एडवर्टाइजमेंट तुम लोगों ने किया ना, हमारे दिल में आ रहा है कि इसको 5 साल में खर्चे में डालो। तो भाई ये एडवर्टाइजमेंट को फिक्स्ड एसेट टाइप की चीज जबरदस्ती बना रहे हैं। अब बना रहे हैं तो उनकी मर्जी है, हम क्या करें, फिक्स्ड एसेट टाइप की चीज बना रहे हैं। 5 सालों में खर्चों में, 10 सालों में खर्चे में क्या चीजें जाती हैं? करंट एसेट जाते हैं, फिक्स्ड एसेट जाते हैं। क्या खर्चे भी कभी 5 सालों में खर्चे में जाते हैं? नेवर। लेकिन टैक्स वाले जी मैं वो कह रहे हैं इस खर्चे को कितने सालों में खर्चे में डालो? 5 सालों में। अब ये कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। जरा ऐसी सोच के मुझे बताएं कि अगर टैक्स वालों की जनरल एंट्रीज आपको करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे? 17, 18, 19, 20, 21, 22। अगर टैक्स वालों की 5 पूरे हो गए तो, अगर टैक्स वालों की आपको जनरल एंट्रीज करनी पड़ जाए तो आप जो है वो कैसे करेंगे? एक बार याद रखिए, जब कैश पे हो जाता है ना तो फिर कैश पे हो जाता है, फिर उसमें दूसरी कोई राय नहीं होती कि कैश पे हुआ या नहीं हुआ। डेबिट क्या करें? एडवर्टाइजमेंट का कोई एसेट बना लें, एसेट टाइप बना लें कुछ एडवर्टाइजमेंट का, जारी बात है। और क्या करेंगे फिर हम? सवाल कह रहे कि 5 साल में खर्चे में डालो, तो फिर तो मजबूरन हमें एसेट बनाएंगे तो 5 साल में खर्चे में डालेंगे ना, और तो कोई चारा नहीं है इसके अलावा। या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो प्रीपेड एसेट टाइप कुछ नाम रख लें, जो मर्जी नाम रख लें, लेकिन इसको खर्चे में कब लेके जाना है? फौरन या आहिस्ता आहिस्ता? आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में लेके जाना है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एसेट टाइप कोई चीज है ये, जिसको टैक्स वाले चाह रहे हैं। और कॉन्सेप्ट बड़ा सदस्य है, हमने फौरन खर्चे में डाले, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? 5 सालों में खर्चे में डाल दो। अब जनरल एंट्रीज जो है उसके ऊपर मैं बहस कर रहा हूं, जैसे मर्जी आप पसंद करें। तो आप मिसाल के तौर पर पसंद आ रहा है तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट रख लें, टैक्स वाले कह रहे हैं फायदा 5 साल आने से एडवर्टाइजमेंट का तुम्हें, तो खर्चे में भी 5 साल में डालो। हालांकि अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए फायदा एडवर्टाइजमेंट का जितने मर्जी साल आए फौरन खर्चे में डालो। अकाउंटिंग वाले कभी भी एडवर्टाइजमेंट को 10 सालों में 5 सालों में खर्चे में नहीं डालते, क्योंकि अकाउंटिंग वाले कहते हैं एडवर्टाइजमेंट पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का शायद तुम्हें 5 साल फायदा, इसलिए हमारा मशवरा यह है कि 5 साल में खर्चे में डालो। इसका मतलब है ये एक एसेट है जो प्रीपे हो गया है, और इसने फायदा कितने साल में देने? 5 साल में देने। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब इसको खर्चे में डालें 5 सालों में, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट कितना? 3। अगले साल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट 3। अगले साल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। और अगले साल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट। और आखिरी साल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट 3 से। क्लियर? अब हम मुझे 5 सालों की करंट टैक्स वर्किंग करवाएं, 5 सालों की करंट टैक्स वर्किंग, 5 सालों की करंट टैक्स वर्किंग, 17, 18, 19, 20, 21, 5 सालों की करंट टैक्स वर्किंग करवाएं। ऐड क्या करेंगे और लेस क्या करेंगे? अकाउंटिंग वालों ने पहले साल खर्चे में कितना डाला? टैक्स वाले कहेंगे 15 नहीं डालना था, 3 डालना था। अगले साल टैक्स वाले कहेंगे हमने तो खर्चे में कुछ डाला ही नहीं, अगले सालों में भाईजान हमने तो खर्चे में कुछ डाला ही नहीं, तो जब हमने खर्चे में कुछ डाला ही नहीं तो उठाने की कुछ जरूरत नहीं है। और टैक्स वाले क्या कहेंगे? 3 का खर्चा, 3 का खर्चा, 3 का खर्चा, 3 का खर्चा, वो 3 को खर्चे में डालने देंगे। तो ये जो फर्क आया हमारे और टैक्स वालों में, क्या ये एक परमानेंट डिफरेंस था या आरजी सा डिफरेंस था? हम अकाउंटिंग वालों ने 15 को फौरन खर्चे में डाला, टैक्स वालों ने 15 को 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5 हो गए, 3, 3, 3, 3, 3, 3 करके खर्चे में डाला। क्लियर? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने पेश करना था और वो आपके सामने हाजिर खिदमत है। और अगर डेफर टैक्स की वर्किंग करूं, डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन, तो डेफर टैक्स की जो वर्किंग होगी उसमें मुझे बताएं, चलिए 31/12/17 की कर लेते हैं, 31/12/17 की कर लेते हैं,
प्री पेड एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अंग्रेजी का फिक्रा जहां जो मर्जी लिख देंगे आईकेम नंबर नहीं काटेगा, एडवर्टाइजमेंट भी लिख देंगे आईकेम नंबर नहीं काटेगा, अंग्रेजी का फिक्रा जो मर्जी लिखें। मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट होती है जो बैलेंस शीट में जाती है, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस कैश कैश को छोड़े कैश नहीं बैलेंस शीट में लिखे जाए। अच्छा मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट कितनी नजर आएगी? एडवर्टाइजमेंट कभी बैलेंस शीट में शो ही नहीं की। इंट्रो भी पढ़ ली पास होगी, एफ वन भी पढ़ ली पास होगी, कभी एडवर्टाइजमेंट गई नहीं बैलेंस शीट में, कभी एडवर्टाइजमेंट गई नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट बैलेंस शीट में नहीं जाती। और एंट्री देख लें, अगर कोई माइका लाल आपको कहे कि इस डेबिट को बैलेंस शीट में पोस्ट करो तो आप जूता उतार लेंगे, वो कहेगा सॉरी ये बैलेंस शीट में जाते हैं पीएनएल में जाते हैं। तो बता दें इस एंट्री से जरा हिम्मत करके बैलेंस शीट बनवाएं। तो कैरिंग अमाउंट जीरो, टैक्स वालों की क्रिएट हुआ 15 से, 3 से क्रेडिट हो गया, तो टैक्स वाले 12 को यहां शो करेंगे। दिस 12 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर या दिस 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर? दिस 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। आहिस्ता आहिस्ता करके अगले साल 3 माइनस हो जाएगा, फिर अगले साल 3 माइनस हो जाएगा, फिर अगले साल 3 माइनस हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये 12 अगले 4 सालों में डिडक्टेबल है। फिलहाल डिडक्ट कितना हो गया? 3, और फ्यूचर में डिडक्टेबल है ये 3। क्लियर? अब सवाल आप पूछना शुरू कर लें। ये कहीं रफ वर्किंग में नोट कर लें, आपने करना है तो ये आपकी मर्जी है। ये किसकी एंट्रीज है? टैक्स वालों की। तो एक कॉन्सेप्ट आप सुन लें, कुछ खर्चे हमारी नजर में फौरन खर्चे होते हैं और टैक्स वालों की नजर में आहिस्ता आहिस्ता खर्चे होते हैं, एंड उल्ट भी हो सकता है पेपर में। क्या अकाउंटिंग वालों ने टैक्स वालों ने एडवर्टाइजमेंट फौरन खर्चे में डालने को कहा? अकाउंटिंग वाले वैसे कहते नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा खर्चा पेपर में आ जाए तो अकाउंटिंग वाले भी कहते हैं 5 सालों में खर्चे में डालो, तो बेस तो वही रहेगी सारी बात की। सुस्ती करें कुछ लोग, ये नोट करें। हाँ करंट एसेट्स में आती हैं, तो इसको करंट एसेट समझ लें, प्रीपेड को करंट एसेट समझ लें, नॉन करंट समझने का नहीं दिल चाह रहा तो पर नाम जो मर्जी रखें आप, यहां पे टैक्स बेसिस की 12 लेनी है, क्योंकि व्हाट इज 12? डिडक्टेबल इन फ्यूचर। इसको पीपी टाइप में इसलिए चीज कह रहा हूं कि जरा समझ आ जाए कि 12 रुपए आहिस्ता आहिस्ता कई सालों में खत्म होना है। अच्छा जी, अब ये तो लॉजिक की बात हो गई कि 12 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, लेकिन रूल लगवा दें कौन सा वाला है। आज शायद पहली दफा रूल 2 लग रहा है, मुझे नहीं याद पड़ता क्लास में कभी रूल 2 लगाओ, रूल 2 एक दफा शायद लगाओ पहले, रूल 2 लग रहा है आज पहली दफा। रूल 2 था इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट देन इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। आखिरी दो कॉलम अभी छोड़ दें। लेकिन इसके बेटे का नाम लिखना है तो वो लिख लें। अब जरा इंग्लिश का फिक्रा पढ़ें, पहली लाइन क्या थी? ड्यूरिंग द ईयर आर एल इनकर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 15। देखें ड्यूरिंग द ईयर आर एल इनकर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 15। दूसरा फिक्रा पढ़ें, दिस कॉस्ट इज टू बी अलाउड एज डिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये कॉस्ट 5 सालों में खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। नेक्स्ट, इधर एक रूल्स प्री पेमेंट्स का नहीं लगा कि ये ऐसी कोई चीज नहीं थी जहां लिखा होता पेएबल्स हैं, या ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके अंदर लिखा होता कि इट इज अलाउड व्हेन पेड, इसकी से भी कोई अंग्रेजी नहीं थी। अच्छा एक सवाल आपसे, एक थोड़ी सी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी पहले, फिर अगली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह आपको आसान महसूस होगी। कई दफा ना फिक्रा पड़ के ये जज नहीं हो रहा होता कि टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करें या क्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें, ये जज ही ना हो कैश अकाउंटिंग फॉलो करें या क्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें तो पता ही नहीं चलेगा सबर है या शुक्र है, क्योंकि आपको पता है जिंदगी के किसी मोड़ पे पता ही नहीं चल रहा होता कि आपको खुशी हो रही है या गम हो रही है। तो अगर खुशी हो रही हो तो फिर शुक्र करना होता है, गम हो रहा होता है सबर करना, लेकिन साढ़े वर्ग में पता ही ना चल रहा है कि खुशी हो रही है या गम हो रही है तो करेगी। तो कभी 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 ये समझ नहीं आती कि बोले 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 कैश बेसिस है या अक्रूअल बेसिस है, तरबूज खा के समझ नहीं आ रहा होता खुशी हो रही है गम हो रहा है। अच्छा तो पढ़े जी,
इन सारी सूरतों में क्या कहते हैं लाल. आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेदर टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल अकाउंटिंग. इन चीजों से पकड़ें कि टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं या एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं. डिविडेंड इज टैक्सेबल जब मिलेगा. तो टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग. ये मैंने किताब का पेज खोला हुआ है 547, लेकिन आप पेज ना खोलिएगा, वहां सॉल्यूशन लिखा हुआ है अनलकीली. रेंट का खर्चा तब खर्चे में टैक्स वाले डालेंगे जब पे हो. कौन सी अकाउंटिंग? कैश अकाउंटिंग. रेंटल इनकम पे तब टैक्स लगेगा जब मिले. ना 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 ना, आन का मतलब होता है आपने बिल्डिंग प्रोवाइड की. आन का मतलब होता है आपने सर्विस रेंडर की. पेज नंबर कौन सा है? बाद में लिख लीजिएगा. आन का मतलब, अच्छा अर्न से ना कुछ लोग पता नहीं क्यों रिसीव्ड समझते हैं, इसलिए ये डब्बा बनाना पड़ा था. बच्चों को कॉन्सेप्चुअल मसला आता था. अर्न का मतलब रिसीव नहीं होता. अर्न का मतलब समझे क्या होता है? कॉलेज वालों ने आपको दो दिन पढ़ा दिया, आपने मजाले के एक रुपया भी जमा कराया हो, लेकिन कॉलेज वाले कहेंगे हमने अर्न कर लिया है. तो अर्न का मतलब ये होता है जैसे जैसे आप सर्विस दें वैसे वैसे इनकम बुक करें. रेंटल इनकम इज टैक्सेबल. रेंटल इनकम इज, मिसाल के तौर पे टीचर ने आईएएस 38 कराया, प्रिंसिपल साहब ने अकाउंटेंट को 1000 रुपया बुक कर लो. टीचर ने आईएफआरएस 16 कराया, प्रिंसिपल साहब ने कहा 2000 रुपया बुक कर लो. कंसोलिडेशन कराया, प्रिंसिपल साहब ने 3000 रुपया बुक कर लो. ये भी आने. तो जैसे जैसे सर्विस देते जाए कॉलेज वाले वैसे वैसे इनकम बुक करते जाए. इसे अर्न बेसिस कहते हैं, रिसीव बेसिस कहते हैं. अर्न, आप बता दें टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल. अप्रूवल नहीं, एक्रूअल. क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे को माइनस करो जब इनकर हो. ये वही है जब सर्विस रेंडर करें या जब सर्विस यूज करें. इसका मतलब है ये भी कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल. एक्रूअल अकाउंटिंग है. अब के बाद ये बात याद रखिएगा कि जब भी इनकम के लिए अर्नड का लफ्ज आए तो ये एक्रूअल अकाउंटिंग है. एक्सपेंस के लिए इनकर्ड का लफ्ज आए तो भी ये कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल अकाउंटिंग. ओके, नेक्स्ट. कैरिंग अमाउंट ऑफ रेंट रिसीवेबल. कैरिंग अमाउंट ऑफ रेंट रिसीवेबल इज ₹10. ये तो कॉन्सेप्ट आपको एक दिन क्लास में जाते जाते करवाया था. कैरिंग अमाउंट ऑफ रेंट रिसीवेबल, ये ना जरा बनाना पड़ेगा फिर समझ आएगा. रेंटल इनकम अकाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ रेंट रिसीवेबल. सही साइड पे लिख रहा हूं रिसीवेबल. कितना? 10. ये किस साल का अकाउंट है? 11 का. 11 का अकाउंट है भाई जान, ब्रैकेट वाली बात ना पढ़ें. किस साल का अकाउंट है? 11 का. मुझे बताएं इस अकाउंट को जब मैं बैलेंस करूंगा तो किस साइड पे आएगा? पीएनएल आएगा बैलेंसिंग, कैश आएगा बैलेंसिंग. किसी को याद है कि ये साइड पीएनएल के लिए? अभी तो यही याद नहीं, तो आगे क्या? तो ये पीएनएल वाली साइड बैलेंसिंग है. इनकम में पीएनएल साइड बैलेंसिंग है. अब ये अकाउंट देख के बताएं, अकाउंटिंग वालों ने इस साल इनकम में डाल दिया? अकाउंटिंग वालों ने इस साल इनकम में डाल दिया. टैक्स वाले क्या कहते हैं? आपको पता है ये रिसीवेबल अगले साल रिसीव होने, और टैक्स वाले कहते हैं 12 में इनकम में डालो तो 12 में तो रिसीव होने. रिसीवेबल तो अगले साल रिसीव होते हैं बबलू, रिसीवेबल तो अगले साल. तो अगले साल रिसीव होगा तो फिर इनकम में डालो, तो इसका मतलब है ये कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग. ये बड़ा मजे का पॉइंट था. अकाउंटिंग वाले किस साल इनकम में डाला? सवाल नहीं बता रहा, मुझे क्लोजिंग रिसीवेबल लिखना पड़ा, मुझे ये अकाउंट बैलेंसिंग निकालनी पड़ी. यहां से मुझे ख्याल आया, हाँ अकाउंटिंग वालों ने इस साल इनकम में डाल दिया. रिसीव कब होने? टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? अगले साल टैक्स दो, तो फिर कब टैक्स मांग रहे हैं? रिसीव होने पे. इसका मतलब कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग है. आगे क्या है? एक्रूड रिपेयर का मतलब रिपेयर पेएबल, तो रिपेयर एक्सपेंस पेएबल इधर आएगा ना, क्लोजिंग पेएबल. क्लोजिंग पेएबल कितना? अगर पेएबल पे अगले साल होने तो इस साल खर्चे में जाएगा, क्योंकि आपको मुझे पता पीएनएल की साइड भूली हुई थी, इसलिए मैं फिर तो पीएनएल इधर हो गया. अब आप मुझे बता दें अकाउंटिंग वालों ने किस साल खर्चे में डाला है? 2011 में. डिडक्टेबल इन 11. टैक्स वाले कह रहे हैं खर्चे में डाल लो. हमने कहा तो पे नहीं हुआ अभी, डाल लो खर्चे में, डाल लो खर्चे में, कोई मसला नहीं. ये कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल. अरे होंठों से कोई हिले नहीं थे इसलिए मैं परेशान हो गया था. होंठों में लाते रहा करे क्लास में, डेप्रिशिएट नहीं होंगे. तो ये कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल अकाउंटिंग. तो टैक्स वाले क्यों एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? मुझे बता दें कैरिंग अमाउंट खर्चों की कितनी है? 9. एक्रूड का मतलब क्या है? पेबल प्रीपेड. जब पेबल में डाला तो खर्चे में भी चला गया. तो अकाउंटिंग वालों ने किस साल खर्चे में डाला? 11 में. टैक्स वाले कह रहे हैं 11 में ही माइनस कर लो. हमने कहा तुमने भी 11 में माइनस किया. टैक्स वाले ने कहा तुमने भी 11 में माइनस किया. हमने भी 11 में माइनस किया. ब्रो ब्रो
आप बताएं अगर ब्रो ब्रो बन गए तो कौन सी अकाउंटिंग है? अकाउंटिंग वाले तो हमेशा एक रूल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, टैक्स वाले भी आप कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक रूल अकाउंटिंग। चलें जी नोट कर लें, पेज नंबर कौन सा है? 547। पिक्चर ले ली। चलो भाई अकाउंटेंट को ₹5 बुक कर ले। पहली रो में जो भाई पी के पेन के बैठे हैं हाथ हिला दें। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या पसंद करेंगे मंडे को? एथिक्स पसंद करेंगे, IS-12 पसंद करेंगे? IS-12 और एथिक्स में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और थ्रेट्स, इनकी कोई थ्योरी श्योरी अगर आ गई तो वो भी लिख दीजिएगा। ओके वापस आ जाएं जी जिथे दी। लेट द खोती कम बैक। ओके छोटी सी जिंदगी आज तक खेलते अच्छा से जिंदगी फिर गुजारने। पॉइंट थ्री, ट्रेड एंड अदर पेबल्स अमाउंटेड टू 40 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर 2017, जिसमें अनअर्न्ड कमीशन पड़ा हुआ है 10 का। ट्रेड एंड अदर पेबल्स में क्या पड़ा हुआ है? अनअर्न्ड कमीशन 10 का पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स कितने हैं? 30। रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स कितने हो गए? 30। असल में ये वो कह रहे ना यार, कहते कि करंट लाइबिलिटीज में क्या पड़े हुए हैं? ट्रेड एंड अदर पेबल्स कितने के? 40 के। इस 40 में 10 है अनअर्न्ड कमीशन, 30 अदर ट्रेड एंड अदर पेबल्स हैं, ठीक है। 10 क्या है? अनअर्न्ड कमीशन। इसी तरह हम बैलेंस शीट बना के जरा चीजों को समझ रहे थे कल भी, ये मैंने बैलेंस शीट बनाई आपके सामने, आप इस फिगरे को पढ़ें। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड, जैसे मैं कहूं पीपी इंक्लूड बिल्डिंग, बात समझ आती है। कैश इंक्लूड डॉलर एंड कैश, बात समझ आती है। तो इसी तरह ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड अनअर्न्ड कमीशन इनकम। तो इट इज नॉट एन एरर, व्हाई? बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट कमीशन रिसीवेबल, इट इज। और अनअर्न्ड होता क्या था? मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने आपको आपको 31 दिसंबर को कहा भाई ये पकड़ ₹10 और मुझे कल कैलकुलेटर उधार पे नहीं अगले साल, तो आपको जो पैसे आ गए अब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई सर्विस देने की, तो लाइबिलिटीज में जाते हैं अनअर्न्ड। तो देर इज नो एरर इन दिस, बट लेट मी राइट डाउन द अमाउंट्स, क्योंकि उससे अगली जो लाइन है वो तो काली पट्टी है, तो काली पट्टी को भी पटाना डालें। आप पहले इस लाइन को जरा पोस्ट कर दें फेस के ऊपर। तो कैरिंग अमाउंट्स बताएं जी, बताएं 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 बताएं। अनअर्न्ड कमीशन कितना? 10। और ट्रेड एंड अदर पेबल्स का रिमेनिंग हिस्सा, लेकिन मेरे पास अब जगह नहीं बचेगी, लेकिन अदर पेबल्स का रिमेनिंग हिस्सा मैं यहां लिखूंगा, क्योंकि ट्रेड एंड अदर पेबल्स तो काफी ज्यादा हैं, तो रिमेनिंग लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे करके रिमेनिंग लिख देते हैं। रिमेनिंग कितने? 30। लेकिन यार ऐसे करने की जरूरत नहीं है पेपर में, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं ऐसे करने की। 40 बस, 10 और 30 लिख दिया तो ऑटोमेटिकली क्या लिख दिया? कमाल कर दिया आपने, नहीं अच्छी बात की है। तो 10 और 30 लिख दिया तो ऑटोमेटिकली क्या लिख दिया? 40। शायद ना इन दोनों के बारे में कुछ आगे अलग अलग बताना चाहता हो जिस वजह से इसने हमें यह कहा हो। मिसाल के तौर में मैं कह दूं, इधर देखें, पीपी इंक्लूड बिल्डिंग ऑफ 60, तो बाकी फिर फर्नीचर मशीनरी कंप्यूटर वगैरह 10 के बने होंगे, और इनकी टैक्स बेस अलग अलग बताई जा सकती है आगे, तो इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड अनअर्न्ड कमीशन, तो रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इतना सा लिखने पे भी आपको आधा मार्क्स यहां पे मिल जाएगा, आधा मार्क्स यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट्स के भी मार्क्स होते हैं। फिर टैक्स बेस लिखने के अलग मार्क्स मिलेंगे, फिर इसके साथ डिडक्टेबल टैक्सेबल लिखने के अलग मार्क्स मिलेंगे, फिर रेट लगाने के अलग मार्क्स मिलेंगे, और रेट लगाने के क्या मार्क्स होंगे? अच्छा जी, ये टीटीडी लिखना होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। ओके ये क्या आ गई जी? कैरिंग अमाउंट। अच्छा जी, एक अकाउंट बना ले मैं अनअर्न्ड कमीशन का ₹10 का, एक अकाउंट बना लेते हैं अनअर्न्ड कमीशन इनकम का ₹10 का।
10 रुपए 10 रुपए, ये पहली प्रॉपर वर्किंग होने लगी है। मे बी यू कॉल इट एज वर्किंग वन, क्योंकि इस 12 रुपए के साथ हम छोटा सा 15 माइनस 3 लिख देते तो वर्किंग की जरूरत नहीं थी पेपर में। 15 पे थे ना एडवर्टाइजमेंट, 3 तो इस साल खर्च होगी, तो 12 15 माइनस 3 पेपर में लिख देंगे तो वर्किंग की जरूरत नहीं है। वर्किंग नंबर वन, कमीशन इनकम। जी भाईजान, रेंट इनकम या कमीशन इनकम? कमीशन इनकम क्या होती है? कमीशन इनकम रेंटल इनकम ये होती है, आपने घर किराए पे दे दिया। कमीशन इनकम ये होती है कि आपने किसी को कहा कि मैं तुम्हारी चीजें बिकवा दूंगा, मुझे कमीशन दे देना। तो हो सकता है वो चीजें बिकवाने से पहले ही आपको कमीशन दे दे, हो सकता है चीजें बिकवाने से पहले ही कमीशन दे दे, तो इसे क्या कहेंगे? अनअर्न्ड कमीशन। और अगर आप चीजें बिकवा दे और फिर भी पैसे ना दे, कमीशन रिसीवेबल। अभी कमीशन क्या है? क्लोजिंग रिसीवेबल इधर आते हैं, इधर क्लोजिंग अनअर्न्ड आते हैं। अच्छा मुझे ये बता दें, हाउ टू टैकल में पहली बात होती है टी अकाउंट बनाए। अनअर्न्ड कमीशन कितना हो गया? 10। अनअर्न्ड अर्न होके पीएनएल में कब जाएगा? अनअर्न्ड अर्न होके पीएनएल में कब जाएगा? अगले साल। तो इस साल किसमें जाएगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है आपको ये साइडें भूली नहीं है, इधर कैश आता है इधर पीएनएल आता है, इस वजह से बातें मुझे करनी पड़ेंगी। तो कैश कितना हो गया? 10। तो अनअर्न्ड इस साल रिसीव होगा और अगले साल अर्न होके किसमें चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। अब देखना यह है कि टैक्स वाले कैश मिलने पे टैक्स लगा रहे हैं या अगले साल वो भी अर्न करने पे टैक्स लगा रहे हैं, देखना ये है। तो यहां से पता चलेगा अकाउंटिंग कौन सी फॉलो हो रही है। काली पट्टी, हटाई काली पट्टी। आप कहें वो क्या काली पट्टी जो लगा के हटाई? अब डरते डरते भरें, कमीशन इज कमीशन इज कमीशन पे टैक्स देना पड़ेगा। व्हेन इट इसका सबसे पहले नजर आएगा, कैश अक्रूवल। व्हेन इट इज अर्न्ड बाय कंपनी या व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय कंपनी? व्हेन इट इज अर्न्ड बाय कंपनी। तो बता दीजिए टैक्स वाले हमें कौन सी दुनिया पे ले गए हैं? चांद पे या तुर्कमानिस्तान में? चांद पे ले गए हैं। तो चांद पे लेके जाने का मतलब ये कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूवल नहीं, नहीं नहीं, चांद पे तो कैश होती थी। वापस आए, वैलेंटिना टेलिस्कोवा गई थी, वापस बुलाए उसे। अच्छा तो अर्न्ड अर्न्ड ये कौन सी अकाउंटिंग है? बोले बोले बोले, नहीं पता वैलेंटिना टेलिस्कोवा का, खड़े हो जो। अच्छा एक्रूवल कौन सी अकाउंटिंग फॉलो हो रही है? एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। एक्रूअल अकाउंटिंग में सबर करना होता है, शुगर करना होता है। इसका मतलब है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या है? बराबर है। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या है? तो हमेशा एक्रूअल अकाउंटिंग जब भी टैक्स वाले फॉलो करें तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या होती है? बराबर होती है। डराया था फिर मैंने वन लगाया। बस आपने ये डिसाइड करना होता है कैश अकाउंटिंग है या एक्रूअल अकाउंटिंग है। अच्छा कुछ ना स्टूडेंट्स ऐसे ही क्लास के बाद सवाल पूछते हैं, अच्छी बातें पूछते हैं। वो कहते हैं कैसे, यानी 10 रुपए कैसे टैक्स बेस बराबर है, यानी क्या मतलब, क्या यानी क्या ये क्या मतलब ये टैक्स बेस बराबर है। तो उन्हें कहा जाता है कि जब भी टैक्स वाले एक रूल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो तो आपने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर लेनी है। वो कहते हैं नहीं नहीं फिर भी यानी क्या, तो वो समझ लें। नहीं नहीं मैं भाई मैं बिल्कुल एक जेन्युइन सवाल है वो, फिर ऐसा करें टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट बना लें। अगर उन्होंने करना है टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाता हूं मैं, नहीं 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कैश आएगा तो टैक्स वाले भी कहेंगे 10 रुपए आए, इसमें तो कोई खिलाफ नहीं। अब टैक्स वाले कहेंगे ये 10 रुपए तुम लोगों ने इनकम में नहीं डालने, वेट करो अर्न होने का। इसका मतलब है अगले साल वो इनकम में डलवाना चाह रहे हैं। इसका मतलब है जब वो इस साल इनकम में नहीं डलवाना चाह रहे तो इसको वो भी क्या मान रहे हैं? अनअर्न्ड मान रहे हैं। इस वजह से कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर आती है। और अगर एक लाइन लिखी होती ना, टैक्स अथॉरिटीज आर सेइंग इट इज टैक्सेबल व्हेन रिसीव, टैक्सेबल व्हेन रिसीव, टैक्सेबल व्हेन रिसीव, टैक्सेबल व्हेन रिसीव, तो फिर तो कैरेट ऑन जीरो आ जाता ना। इसको हम कहते थे टैक्स बेस जीरो लेनी है। तो ज्यादा लॉजिक ना चढ़ाया करें दिमाग में। मैंने कहा आपको बस बता दिए एक दफा, क्या बता दिया, बस सादा सी बात की आपसे कि फिक्रा पढ़ के जज करना सीखो कि कैश अकाउंटिंग है या, जब जज कर लो ना कैश अकाउंटिंग है या एक्रूअल अकाउंटिंग है, उसके बाद मत सोचो। अगर कैश अकाउंटिंग है तो टैक्स बेस जीरो, और अगर एक्रूअल अकाउंटिंग है तो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट बराबर।
बराबर लेने। तो बस ये फिक्रा पढ़ के बता दें, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, लंबे जुड़े चक्र में ना पड़े। कमीशन पे कब टैक्स लगाएंगे? जब अर्न करेंगे। इसका मतलब है वो भी अर्न करने पे लगाएंगे, हम भी अर्न करने पे लगा रहे हैं, तो हम और वो एक ही बात कर रहे हैं। तो जब हम और वो एक ही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी और उनकी कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस क्या आएगी? बराबर आएगी। ठीक है जी ब्रो, ब्रो काला पटा हटने लगा है। ये देखें, ये फुदक फुदक के बाहर आ रहे थे इसके, मेरे बारे में भी कोई बात करो। यानी ये सीए पूछ रहे हैं मेरा टीबी कितना, ये सीए पूछ रहे हैं मेरा टीबी कितना। टीबी ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इज 25, टीबी ऑफ रिमेनिंग ट्रेड एंड अदर पेबल्स इज 25। हमने कहा क्या मतलब, क्या यानी क्या वजह हुई होगी? कहते नहीं बता रहा वजह, बस ठीक है कोई ना कोई होगी वजह। हमने कहा नहीं नहीं कोई ना कोई वजह तो होगी, तो इस वजह के पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं जब वो बता ही नहीं रहा। अब आपने इधर बिला वजह जो है, इधर आप लॉजिक नहीं लगा सकते, इधर आप रूल 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं, इधर लॉजिक बिल्कुल नहीं लग सकती। लॉजिक क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि उसने आपके लिए खुद आसानी कर दी। उसने कहा कैरिंग अमाउंट इतनी है, टैक्स बेस इतनी है। कहते हैं मैं आपसे टैक्स बेस भी नहीं सुझवाया। अब जब ये एडजस्टमेंट पहली दफा क्लास में आती है ना, टैक्स बेस वो दे देता है। पहली दफा जब से क्लासें शुरू हुई हैं उसने टैक्स बेस दी है। तो बच्चे क्लास के बाद आते हैं आके कहते हैं नहीं फिर भी सर ये क्या मतलब, टैक्स बेस क्यों 25 थी? तो मैं उन्हें कहता हूं बबलू गिवन है। नहीं नहीं सर फिर भी यानी क्या मतलब, यानी 25 टैक्स पे क्यों, यानी ये 5 रुपए के इख्तलाफ क्यों था इनमें? ओ भाई जान नहीं बता मुझे, मैं आपको कैसे बता दूं? अगर वो आसानी कर रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि ये कैरिंग अमाउंट है, ये टैक्स बेस है, तो आप क्या करें? नहीं वजह नहीं तुमने मुझे बताई, नहीं ये मार्क्स ना देना मुझे। और सवाल कह रहे हैं टैक्स बेस 25 मिलियन है, तो तू क्यों सोच रहे 25 क्यों है? तो फिर कैरिंग अमाउंट पे सोच 30 क्यों है, 29 क्यों नहीं है? अच्छा रूल 1, 2, 3, 4 लगाए। ये क्या है असल में, शायद वजह ये बनी हो, ऐसे मैं एक जनरल से बात कर रहा हूं, शायद वजह ये बनी हो कि इसमें कोई 25 हो जिसमें दोनों की राय एक हो, और इसमें कोई 5 वाली चीज हो जिसमें ये वाले कहते हो नहीं इसको 0 पे लिखो। ऐसे फिर अगर आगे बात चलानी है तो ऐसी हो सकती ना, यानी 30 के हिस्से बना दो 25 और 5, इसमें से 25 वाली की 25 ही बराबर हो किसी वजह से, यहां एक रूल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो और यहां कोई ऐसी अकाउंटिंग हो जहां ये टैक्स कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, तो कोई ना कोई एक आइटम बीच में ऐसा पड़ा होगा जिसने अपना रोला डाला है। तो वेयर आई लीव इट, इज इट एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी बोलने आपने, इज इट एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी, वो ऐसे करके ना, लायबिलिटी। इज इट एसेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, रूल नंबर 3। तो इसका नाम डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, कितना? 5। वो ठीक है बाद में कर लेंगे, बेटे का नाम आपको दिल चाह रहा है साथ साथ लिख लें, नोट कर लें। इफ टैक्स बेस इज गिवन, डू नॉट थिंक व्हाई इट इज गिवन। फिर वो अजीब सी बात हाँ बननी थी, ऐसे वैसे हो नहीं सकता, अजीब सी बात बननी थी। फिर उसमें से आप 10 माइनस करते, फिर बाकियों को लेते रिमेनिंग में, पोर्शन नहीं करना, फिर उसमें 10 वो शायद वही पड़ा होता अनर्न। अच्छा जी, दो में आपने प्लान किया कि मैं हज करूंगा क्यूएम पास होने पे। अच्छा अब 2022 के अंदर आपका जाने का इरादा है, 2020 में तो आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, जाने का इरादा कहा 2022 में। अब 2022 में जब आपका जाने का इरादा है, तो 2022 में 2020 में आपने पीआईए की वेबसाइट खोली और पीआईए की वेबसाइट पे एयर टिकट्स के रेट देखे, तो आप देख के हैरान रह गए कि पीआईए ने अगले 3 सालों के टिकटों के रेट अपलोड किए हुए थे, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट वगैरह डाल के और रेट इनकॉर्पोरेट किए हुए थे, और पीआईए ने कहा था ये रेट फाइनल है, इंशाल्लाह हम 3 सालों में इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए हम कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक है, इट इज पॉसिबल, बहुत से बिजनेसमैन फ्यूचर का डाटा आपको दे देते हैं। अच्छा अब आप 20 में खड़े होकर आपने ये देखा कि ये 2022 में पीआईए की टिकट रिटर्न टिकट मिसाल के तौर पर 70,000 की है, तो अब आप 2020 से जब शुरू करेंगे पैसे इकट्ठे करना तो क्या प्लान करके इकट्ठे करेंगे? ऑब्वियसली 70,000 इकट्ठे करेंगे, डन होगी ये बात, एज्यूमिंग के सारे फैक्टर्स रिमेन सेम और कोई मसला नहीं होगा, तो आप 70,000 पे इकट्ठा करेंगे। इसी तरह
अब मैं एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं कि आपने आप खड़े हैं 2020 में, अगला साल है 2021, और आपने डिविडेंड इनकम का अकाउंट बनाया है और इसमें क्लोजिंग रिसीवेबल है, क्लोजिंग रिसीवेबल है 4 रुपए, रिसीवेबल रिसीव अगले साल होगा ना। अच्छा, अब 20 में डिविडेंड का टैक्स रेट है 15%, 20 में डिविडेंड का टैक्स रेट है 15%, 18% कर लें, डिविडेंड का टैक्स रेट है 18%। इस दिन अखबार में इश्तेहार आया, यानी 20 में खड़े होकर आपको एक बात पता चल गई, 20 में खड़े होकर आपको पता चल गई कि अगले साल 21 में डिविडेंड का टैक्स रेट हुकूमत करने लगी है 13%। ठीक है जी, क्या आपको यह इंफॉर्मेशन 20 में मिल गई? बोले बोले, क्या ये इंफॉर्मेशन 20 में मिल गई? आपको 20 में एक बात पता चली, स्टैंडिंग इन 20 यू केम टू नो दैट फ्रॉम 2 जनवरी 2021 द रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड विल बी 13%। मुझे बताएं, आज इस 4 रुपए के ऊपर बींग एन अकलमंद बंदा लाइबिलिटी 18% पे बुक करूं या 13% पे बुक करूं? 13% पे बुक करूं। तो ये एक बड़ा बेसिक और मेन कॉन्सेप्ट है जो आने वाली क्लासों में बहुत ज्यादा यूज होने हैं और फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। अगर आज आपकी कोई अमाउंट रिसीवेबल है और टैक्स वाले कहते हैं हमने रिसीव होने पे टैक्स लगाना है, तो सोचें 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 कि रिसीव होने के साल रेट कितना होगा। अगर सवाल इस साल यानी 20 के साल में बता दे कि 21 के साल का ये रेट होगा, तो अब आप बताएं कौन सा रेट यूज करना मुनासिब है। जितना अब ये डिविडेंड ने अगले साल जाके हज सॉरी ये अगले साल जाके आपको पता है मैंने 22 में जाके हज करने, तो अगर अभी 50,000 में टिकट मिल रही है तो आप 50,000 अरेंज करें या 70,000 अरेंज करें? 70,000 अरेंज करें, क्योंकि आपका प्लान ही 22 का है। इधर क्या करें, 20 में खड़े हैं और 20 में खड़े हो गए किसके रेट पता चल गए 21 के। मुझे बताते हैं वैसे डिविडेंड पे टैक्स कब लगना है? जब रिसीव होगा। रिसीव कब होने हैं? अगले साल। तो फिर अगले साल का रेट क्या है? तो अगर हमारे साल खड़े होके हमारे साल और अगले साल का क्या दे दे, रेट दे दे, तो ऐसी सूरत में कौन से साल का रेट लगाना मुनासिब है इस डिविडेंड इनकम पे? अगले साल का। ओके, पॉइंट नंबर 4। कल जो सवाल किया ना उसमें कुछ ऐसा बताया नहीं हुआ था कि हमारे साल अगले साल का रेट पता चल गया। कल जो सवाल था ना उसमें कुछ ऐसा जिक्र नहीं था कि हमारे साल अगले साल का रेट पता चल गया, और वो एक जनरल टैक्स रेट था, उस पर एक अलग डिस्कशन है। ये जनरल टैक्स रेट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक इनकम का टैक्स रेट है। तो ये सारी बातें पढ़ के हम इंशाल्लाह समराइज भी करेंगे एक दिन। मुझे पता था ये कुछ लोगों के जहन में सवाल आएगा कल वाले सवाल से लिंक करके। कल जो कॉन्सेप्ट किया उसको अपनी जगह बरकरार रखें, उस कॉन्सेप्ट को जब इस कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करना हुआ वो मैं खुद बताऊंगा। तो मैंने अभी ये बात कर दी है, एक प्रैक्टिकल नेचर की बात की आपसे कि अगर हमें इस साल खड़े होकर अगले साल का क्या पता चल जाए, रेट पता चल जाए, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी किस पे बुक करें? अगले साल के रेट। अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स कहां पड़े होते हैं? बोले बोले बोले, करंट एसेट्स में। कितने हैं? 17। अदर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 17 मिलियन एज ऑन 31 दिसंबर 2017। एज ऑन का मतलब है बैलेंस शीट में डाल दी है मैंने, एज ऑन विच इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ 8। इसी तरह की एडजस्टमेंट जैसे ऊपर किया जी। इसमें डिविडेंड रिसीवेबल कितने हैं? क्या डिविडेंड रिसीवेबल का रिसीवेबल में पड़े होना कोई हरज की बात है? नहीं नहीं कोई हरज की बात नहीं, ऐसा कोई ब्लंडर तो नहीं है। कितना पड़ा है? 8। तो अदर रिसीवेबल रिमेनिंग कितने रह गए? 9। अब 8 के बारे में अलग टीवी बताएगा और 9 के बारे में टीवी अलग बताएगा। अल्लाह करे दोनों की टीवी खुद ही दे दे, अगर दोनों की टीवी ना दी तो सोच लेंगे, या दोनों में से किसी एक की टीवी दे दी तो फिर ये नहीं पूछेंगे तो टीवी दे क्यों है, वो कहेगा मैं दे रहा हूं तो यूज कर ले बस। तो देखते हैं किसकी टीवी गिवन है किसकी टीवी नहीं गिवन। लेकिन इस सवाल में एक और फटा भी होना है वो जो मैंने आपको बता दिया। पहले जरा ये बता दें कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। डिविडेंड वॉज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव। डिविडेंड पे कब टैक्स लगना है? जब ये क्या होगा? रिसीव होगा। अच्छा थोड़ा सा पॉज लें, और पॉज लेके ना पहले मैं 0.5 कराऊंगा आपको, फिर 0.5 करा के 4 की तरफ वापस आता हूं। 0.5 जरा पढ़े, एक वर्किंग मैं छोड़ देता हूं डिविडेंड की, वर्किंग 2 डिविडेंड, वर्किंग 3
वर्किंग थ्री, इससे जरा 0.5 से पिछला वाला पॉइंट आसान महसूस होगा आपको। ऑन यकम अप्रैल 2017 हमारा साल खत्म होने से 9 महीने पहले, ऑन यकम अप्रैल 2017 हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इंटरेस्ट मिलेगा या पे करेंगे? मिलेगा। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बनाओ, एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। इन्वेस्टेड या ऑब्टेन्ड लोन? इन्वेस्टेड 40 मिलियन इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर वन ईयर, कितने साल के लिए पैसा रखवाया? एक साल के लिए, एट 10% पर एनम। और इंटरेस्ट कितना मिलना है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। अभी अभी टैक्स वालों की कोई बात नहीं की, अभी तो IFRS की एंट्रीज मुझे करवा देना, अकाउंट बनवा दें। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। ये पैसा रखवाया कितने अरसे के लिए? रखवाया भी एक साल के लिए और इंटरेस्ट भी साल बाद मिलने। विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, बताएं ये पैसा किस दिन हमने निकलवा लेना है? अगले साल 31 मार्च 2018। तो मुझे बता दें इस 40 पर 10% 4 मिलियन बना, ये 4 मिलियन मुझे कब मिलेगा? मैं सिर्फ IFRS की बात कर रहा हूं, टैक्स रूल्स की बात नहीं करा। साल कौन सा है? 2017। पैसा किस दिन रखवाया? यकम अप्रैल को। इंटरेस्ट किस दिन मिलना है? यकम अप्रैल 17 को पैसा रखवाया और इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 31 मार्च 18 को मिलेगा। कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 4। अच्छा मुझे बताएं वैसे इस साल यूजर्स को कोई बुक शुक करके दे दें इंटरेस्ट या बुक में ना करें? बुक करें। अच्छा मुझे बताएं यहां पे खड़े होकर क्लोजिंग रिसीवेबल कितने महीने का होना चाहिए? फ्यूचर का रिसीवेबल होता है या पास्ट का? हमेशा याद रखिएगा पास्ट में जो इनकम कमा ली उसका रिसीवेबल बुक करेंगे, ये रिसीवेबल नहीं हो सकता। कितने महीने पैसे रखवाए रखा? 9 महीने रखवाए रखे। जब 9 महीने पैसे रखवाए रखे तो 9 महीने का इंटरेस्ट 9 महीने के एंड पे मिला या बाद में मिलना है? तो यहां खड़ा होके मैं कितने महीने का रिसीवेबल बुक करूं? फिर यहां 1 महीने का कर लूंगा, यहां 1 महीने का कर लूंगा, यहां 1 महीने का कर लूंगा, फाइनली 12 महीने का मुझे मिल जाएगा। लेकिन इस साल को छोड़ दे, यहां खड़े होकर मुझे बताएं टी अकाउंट में रिसीवेबल आना चाहिए या अनअर्न आना चाहिए? यहां खड़े रिसीवेबल आना चाहिए, अनअर्न आना चाहिए? रिसीवेबल आना चाहिए। मुझे बताएं रिसीवेबल डालू अनअर्न डालू? रिसीवेबल निकालू या गिवन है? रिसीवेबल इंटरेस्ट निकालू या गिवन है? निकालें। रेट गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है? नंबर ऑफ मंथ्स दिस मनी रिमेन्ड इन बैंक गिवन है? अगर ये तीन फैक्टर गिवन है तो क्या रिसीवेबल निकल सकता है? वैसे P&L भी डायरेक्ट निकल सकता है, P&L भी डायरेक्ट निकल सकता है, P&L भी यही वाली फिगर है। लेकिन मैं फिलहाल क्लोजिंग रिसीवेबल निकाल रहा हूं। क्लोजिंग रिसीवेबल इधर आएगा, क्लोजिंग रिसीवेबल। कभी कभी गिवन होते हैं क्लोजिंग, कभी कभी रोल के निकालने पड़ते हैं। कितना पैसा रखवाया? 40। इस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलने? 10। कितने महीने का अभी तक नहीं मिला? 9 मंथ्स। 3। अभी IFRS वाला अकाउंट पूरा कर दें, फिर काली पट्टी डालूंगा और हटा के देखेंगे टैक्स वाले क्या चाहते हैं। रिसीवेबल रिसीव कब होगा? तो इस साल कहां जाएगा? P&L में जाएगा। ये टी अकाउंट बना ले। वर्किंग नंबर 3। ये इतनी सी जो डेड लाइन पड़ी है उसके असरात है, पूरी पढ़ लेते पता नहीं क्या होता। बच्चे कह रहे हैं सर्दी लग रही है, हाउसकेस ना पहन के। अच्छा इसके पर ऊपर कर दो, क्या नहा करके कह रहे हो? नहा के नहीं आते तो सर्दी लगती है, और जो आते हैं उनको नहीं लगती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखिएगा अभी पार ऊपर जा रहे हैं, लेवल है। फिर नीचे ब्रो, नहीं ऊपर कर दो, हवा फॉल सीलिंग को लगे। ओके ताली पत्ती हटाएं, काली पट्टी। ओए होए 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 होए, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल व्हेन व्हेन रिसीव्ड। आप बता दें इतनी सी बात पढ़कर कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? आगे मत पढ़ें, आगे मत पढ़ें। इंटरेस्ट वाज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, आगे मत पढ़ें। कैरिंग थ्री, एक लाइन मैंने छोड़ दी है, वो दो लाइनें बल्कि मैंने छोड़ दी है, वो एक हमारी एडजस्टमेंट रहती है। इंटरेस्ट नहीं, इनकम नहीं ना, ये तो बैलेंस शीट टाइप चीजें होती हैं, तो यहाँ एसेट या लायबिलिटी टाइप की चीज लिखा करें। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना? 3। कैश अकाउंटिंग या अप्रूवल अकाउंटिंग? कैश अकाउंटिंग का क्या मतलब है? सबर करने आपने टैक्स बेस सोचनी है, सोचने का मतलब है जीरो, क्योंकि इस दुनिया में रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहे जहां कैश आने पर इनकम में टैक्स मांगा जाता है। ओके नेक्स्ट। अच्छा वैसे ये बता दें मिलना कब है ये इंटरेस्ट? ये वाला 3 रुपए कब मिलना है?
अगले साल मिलेगा, और हुकूमत कब टैक्स मांगेगी? अगले साल ही टैक्स मांगेगी। अच्छा, एक सवाल में एक लाइन लिखी हुई है कि हमारे साल अगर इंटरेस्ट मिलता ना तो रेट था 17%, 10%। हमारे साल अगर इंटरेस्ट मिलता रेट था 10%, लेकिन सुनने में यह आया है कि 1 जनवरी 2018 से ना रेट हो जाने 15%। सुनने में यह आया कि 1 जनवरी 2018 से क्या रेट हो जाने, हम इस खबर को कंफर्म समझा करेंगे। तो सुनने में यह आया कि 1 जनवरी 2018 से रेट हो जाने 15%। आप बता दें, हमने जब डिविडेंड पर टैक्स और इंटरेस्ट पर जब टैक्स देना है वो 18 के साल में जाके देना है या इस साल देना है? 18 के साल में जाके देना है। उस वक्त रेट क्या हो चुका होगा? तो क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यूज करने में कोई मसला है या गलत बात है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यूज करना? लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसे यूज कर लेना चाहिए। तो 17 मई अगर हम खुश नसीबों को मिल जाता तो कितने परसेंट टैक्स देते? लेकिन हम बदनसीबों को कब मिलेगा? 18 में। उस वक्त टैक्स क्या हो चुका होगा? वैसे सोच के बताएं, डेफर करके कितना टैक्स देना है, 10% या 15%? 15%। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को हम यूज किया करेंगे। क्या लिखें जी? पहले तो ये बता दें, डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है? टैक्सेबल इन फ्यूचर है, 3 रुपए टैक्सेबल इन फ्यूचर। वैसे भी कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, टैक्सेबल क्यों है फ्यूचर में, लॉजिक भी सुन लें। रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा ना, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो 3 रुपए टैक्स रेट इज 30%। सवाल की पहली लाइन लिखी हुई थी, एक्सेप्ट अदरवाइज मैं कुछ और बता दूं। तो यहां हर जगह हम 30% लिखेंगे, लेकिन इधर इसने कोई और रेट बता दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि 10% यूज मत करें, अपडेटेड इंफॉर्मेशन यूज करें, और कितने परसेंट यूज करें? 15%। 3 जरा 15%। बेटा निकाल दें, बाप निकाल दिया तो बेटा भी निकाल दें, 0.45 डीटीआर डेफर करके इंशाल्लाह टैक्स देना है 0.4। 10% पे नहीं देना, 15% पे देना, 0.45। टेंशन ना ले, आज रिकॉन्सिलिएशन नहीं बनी, करंट टैक्स नहीं दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट चलें जी, पढ़ें। कौन सा पॉइंट? 4। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, 0.4 के लिए 2 लाइनें हैं। टी अकाउंट बनाने आपने डिविडेंड का, उसे कर दें, पट्टी हटा दें, 0.4 सारा खुद करें। अच्छा चलिए, एक काम करें यार, छोड़ें, मैं इस इंफॉर्मेशन को मिटा रहा हूं। आप फिलहाल मुझे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाला कॉलम फिल आउट कर दें, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाला कॉलम फिल आउट कर दें। बस कर देना, हो गया, आसान सी इंग्लिश है, करें। तो अब आप रजिस्टर पे लिख दें कैरिंग अमाउंट कितनी है, टैक्स बेस कितनी है। चलें जी, अदर रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 17 मिलियन विच इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ 8। अदर रिसीवेबल्स आर 17 मिलियन विच इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल ऑफ 8। तो पहले ये दोनों कैरिंग अमाउंट्स हैं, ब्रेकअप, और ये इनका टोटल है। तो कैरिंग अमाउंट्स का ब्रेकअप पकड़े और इनको वहां जाके शो कर दें, ताकि कैरिंग अमाउंट्स वाले इजी मार्क्स हम गेन कर लें जी। डिविडेंड रिसीवेबल 8, रिमेनिंग अदर रिसीवेबल या अदर रिसीवेबल, जो भी आप पसंद करें, 9। अब देखते हैं कि किसकी टैक्स बेस दे रहे और किसके लिए कोई फिक्रा बता रहे कि टैक्स बेस पता चल जाए। डिविडेंड इनकम वॉज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, डिविडेंड पे टैक्स लगते हैं जब कैश मिले, तो कौन सी अकाउंटिंग है? कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग के अंदर मुझे बता दें टैक्स बेस क्या आएगी? 0। तो टैक्स वाले अगर कैश अकाउंटिंग यूज करें तो रिसीवेबल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। टैक्स बेस लेके मार्क्स ले लिए। आगे, टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स इज 6। टैक्स बेस ऑफ रिमेनिंग अदर रिसीवेबल्स इज 6। इसके भी इजी मार्क्स ले लें, डिडक्टेबल या टैक्सेबल आगे लिख के। इसमें अब रूल लगाएं, एसेट अकाउंट है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, मशहूर जमाना रूल नंबर 1, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और बेटे का नाम डीटीएल। डन, अब रह गया डिविडेंड। पर्दा हटने लगा, अगर मिल जाता 17 में तो 20% लगता,
और अगर अगले साल मिले तो, अगर अगले साल मिले तो हुकूमत इस पे टैक्स नहीं लेगी, अगर अगले साल मिले तो हुकूमत इस पे टैक्स नहीं लेगी। अजीब वाला सिनेरियो है ना, क्यों? आप कहेंगे सर ये तो टैक्स रेट दिया हुआ है। ओ भाई ये टैक्स रेट नहीं दिया हुआ भालू, ये टैक्स रेट इस साल का लगाना ही नहीं हमने, क्योंकि रिसीवेबल रिसीव कब होने? अगले साल। तो टैक्स भी कब लगना है? अगले साल। तो अगले साल रेट कितना है? 0%। तो ये इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। हाउ टू टैकल इन पेपर? टैकल माइकल। हम ऊपर हैं, तुम हमें नीचे ढूंढ रहे हो। क्या डिविडेंड एग्जेम्प्ट इनकम बन गई? हमारी किस्मत जाग गई? सोई भी जाग गई, हमारी किस्मत जाग गई। लोग डिविडेंड पे धड़ाधड़ टैक्स दे रहे थे 20%, और हमने कहा हमने मिलना ही अगले साल है। इमरान ने कहा अगले साल तो मैं पता नहीं कौन आ रहा है, तो अगले साल तो टैक्स हमने माफ कर देने, अगले साल तो टैक्स क्या कर देने? माफ कर देने। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी जबरदस्ती अज्यूम टू बी इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। इसको जबरदस्ती इसके बराबर करें वरना डिफरेंसेस आ जाने हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो रिसीट बेस की वजह से जीरो लिखवा दिया था। हाँ मैंने लिखवा दिया था, मैं मानता हूं, लेकिन अब बात अजीब सी है ना, सबर वाला सिनेरियो ना शुक्र वाला सिनेरियो है। अब आप देखें लॉजिक पे अगर चलें आप, तो पहले आपको लग रहा है कि शायद आपने जीरो लिखना है, लेकिन इसी लॉजिक को जब आप आगे चलाएंगे तो लॉजिक ही लॉजिकल तरफ ले जाएगी। क्या आपको पता है कि रिसीट अकाउंटिंग के अंदर टैक्स बेस जीरो होती है? ये लॉजिकल बात है, ठीक है। अगर ये लॉजिकल बात है इसको आगे चलाने की कोशिश करें, मैं कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पर मैं कोशिश करता हूं, आठ का क्या आ गया? लेकिन आपने खतरे का अलार्म बना के कुछ करना था, स्टॉप करना था किसी चीज को, वो मैं स्टॉप बाद में करता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि इसी तरह चले तो चलने दें। और रेट कितने परसेंट? 0%। तो क्या टैक्स देना है हमने फ्यूचर में इस पे? इज इट टैक्सेबल इन फ्यूचर? इफ इट इज नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर, तो मैं तो ये भी नहीं लिख सकता कि आठ का टैक्सेबल डिफरेंस है। कोई पूछेगा किस पर टैक्स देना तुमने? वो तो सुने अगले साल माफ हो रहा है और तुम्हें तो अभी रिसीव ही नहीं हुआ। भी बबलू डिविडेंड इनकम क्लोजिंग रिसीवेबल कितना था? आठ। तो इस साल किसमें गया होगा? पीएनएल में। रिसीव कब होने? तो अगर रिसीव अगले साल होने तो मुझे सोच के बताएं अगले साल टैक्सेस पे क्या है। तो जो एग्जेम्प्ट इनकम हो वहां पे अकले अकले आपने फारक कर देनी है अपनी, और आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस को हमेशा क्या लेना है? बराबर लेना। इसी तरह कर दीजिएगा पेपर में आठ, ठीक है जी। अब ये कितना आ गया? दोबारा लिख लें, इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम एंड डिडक्शन नॉट अलाउड कैरिंग अमाउंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टैक्स बेस। In case of exempt income and deduction not allowed, in case of exempt income and deduction not allowed, carrying amount will always be equal to tax base. Or will always be equal to tax base. Or आगे लिखें logic. To stop creation of temporary difference. हम चाहते हैं temporary difference ना आए, क्योंकि ये permanent difference है. Will always be equal to tax base. Logic to stop creation of temporary difference. Difference हम लाना नहीं चाहते ना इसमें। तो शुक्र है कि तीनों कॉन्सेप्ट हमारे टेस्ट हो गए। ये शुक्र वाला था, ये अजीब था, और ये सबर वाला था। ये सबर वाला दिखने में ये पहले सबर वाला लग रहा था कि जीरो है टैक्स बेस, लेकिन फिर जब पता चला कि इनकम ही एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट इनकम है तो फिर अगर आपने डिफरेंस निकाल दिया तो वो डिफरेंस पे किसको टैक्स देना है? इसलिए एग्जेम्प्ट इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड। एग्जेम्प्ट इनकम अगर रिसीवेबल हो और डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल हो, तो इनकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस जबरदस्ती क्या लेंगे? बराबर लेंगे। बहरहाल इसकी इंशाल्लाह काफी रिविजन और भी होनी है, ये तो इस सवाल में शुक्र है तीनों चीजें एक ही दफा में रिवाइज होगी। चलें आगे, अब क्या रह गया यार, अब तो कुछ भी नहीं रह गया, टाइम जाया बस। करें मुबारक हो, सवाल हमारा मुकम्मल हुआ, और बेजान सी एडजस्टमेंट्स हैं आगे दो।
बेजान सी एडजस्टमेंट पड़े जी पॉइंट सिक्स में। एडजस्टमेंट तो टेस्ट में आई थी, जिसमें इंटरेस्ट को भी 9/12 करना था, डेप्रिसिएशन को भी 9/12 करना था, रेंटल अगले साल पे हो रहा था, इस साल रेंट पेड जीरो डालना था, क्योंकि कैश अकाउंटिंग में रेंट अगले साल पे हो रहा था, रेंटल पेड जीरो डालना था। कितने लोगों ने रेंटल की फिगर डाल दी थी टेस्ट में? रेंटल पेड, पेड की माइनस नहीं करी थी ना, अगले साल पे हो रहा था, तो इसलिए उसको पेड में नहीं डालना था। ओके, कौन से टेस्ट में? वो पिछले सेशन वालों का एक टेस्ट हुआ था, उसकी बात कर रहा था मैं। ये कम जनवरी 16 साल के दिन अ मशीन वाज एक्वायर्ड ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, an annual lease rental of 28 million, annual lease rental of 28, pay in advance, interest rate chupa in the lease is 10%, aur kali patti, under the tax laws all rentals are paid in the year of payment, rentals kab minus honge? Jab pay honge. Now, I have not so much time that I spend my precious time on this choti moti adjustment, so let's come on the amortization schedule and watch the amortization schedule in front of all, so that we may conclude this adjustment. 28 है, कितनी दफा पे करने? चार दफा। तो पहली किस्त ये पे हो जाएगी 28 की, इसको डिस्काउंट नहीं करना, एलपी नहीं निकाल रहा मैं, डायरेक्ट पीवी ऑफ एलपी निकाल रहा हूं। और 28 उसके बाद इधर तो -3, बट डायरेक्ट ही हम लिखते होते हैं ना, -3, -4, -1 के चक्कर में पड़े, -3। और ये क्या आ गई? पीवी ऑफ एलपी, ये पीवी आ गई। और पहली किस्त सेकंड 16 को, दूसरी जगह 17 को, तीसरी की जरूरत नहीं थी वैसे, ऐसे टाइम जाया करने। ओ हाँ, वो लीज भाई पिछले साल शुरू हुई है, ओ मजे की बात। ये देखें, ओए होए होए होए, लीज हमारे साल के पहले दिन शुरू नहीं हुई, लीज कब शुरू हुई है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी या पहले साल के एंड की? बैलेंस शीट का क्या मतलब है? आर ओ यूर लीज लाइबिलिटी मैं पूछ रहा हूं ना, दूसरे साल के एंड की डालनी है या पहले साल के एंड की? दूसरे साल के एंड की। डन हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, एक किस्त यकम जनवरी 19 को भी पे होनी है, लेकिन मुझे उससे कंसर्न नहीं है, उसके बाद बैलेंस वगैरह भी जीरो हो जाना है, लेकिन मुझे उससे कंसर्न नहीं। अब मुझे आप बताएं जी, मैंने बैलेंस शीट किस साल की बनानी है? 31 दिसंबर 17 की। 31 दिसंबर 17 की बैलेंस शीट में आर ओ यू आएगा जी, कितना आएगा? 98। अच्छा, अब 98 को डिवाइड करें 4 पे, 24.5। लेकिन एक दफा डेप्रिशिएट करूं या 16 17, दो साल 24.5 जरा 2 49, 98 माइनस 49, ये आर ओ यू की बीबी आ गई। अच्छा, इसके बाद लीज, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई और करंट लाइबिलिटीज आ गई, लेकिन मैंने कहा था करंट नॉन करंट इकट्ठी शो कर दिया करें, इधर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलिए बनाने बनाएं। लीज ऑब्लिगेशन आ गई और उसका क्या आ गया? करंट पोर्शन। हमारे साल की बैलेंस शीट 31/12/17, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, हमारे साल शुरू में ही पेमेंट हो गई थी, इसको डाल दें करंट में और इसको नॉन करंट में। तो नॉन करंट में कितना डाला? 26, करंट में 23। इंटरेस्ट पेबल आएगा नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि अगर किस साल के एंड पे होगी तो इंटरेस्ट पेबल नहीं आएगा, और अगर किस साल के एंड पे नहीं हुई तो फिर इंटरेस्ट पेबल आएगा। अब हम ऐसे सोचते होते थे कि लाइनें उन्हें हटाएं इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट पेबल के लिए भी लाइनें हटाते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी लाइनें हटाते थे, और अनअर्न इंटरेस्ट नोट में जाता था उसके लिए भी लाइनें हटा के सोचते थे। 31/12/17 के साल का इंटरेस्ट 31/12/17 को पे हो रहा है या 1 जनवरी 18 की सुबह? तो इसका मतलब 31/12/17 की रात को यह पेबल था, तो सिर्फ पेबल उठा लें कितना? 5 इंटरेस्ट पेबल। इनको कहते हैं कैरिंग अमाउंट्स, और इनकी टीबी जीरो है, इनकी टीबी जीरो है, क्योंकि टैक्स वाले लीज को मानते ही नहीं, ना राइट ऑफ यूज को मानते हैं ना लीज लाइबिलिटी को मानते हैं। तो ये सारी फिगर्स उठवा दें, लेकिन लीज इकट्ठा ही उठाएं, करंट नॉन करंट। तो ये ऐसी बैठे बैठे ना एडवांस के सवाल की एक रिविजन हो गई। आर ओ यू, अब गलती बच्चों से पेपर में यह हो गई थी कि पहले साल की बैलेंस शीट ना आए थे, हालांकि लीज रकम जनवरी 16 को शुरू हुई है। आर ओ यू कितने? 49। कैसे निकला? 98 माइनस 24.5 इंटू 2, दो सालों का डिफरेंस। लीज लाइबिलिटी, इसमें मैंने कहा था करंट नॉन करंट के चक्कर में ना जाएं, करंट नॉन करंट के चक्कर में ना जाएं, लेकिन फिर भी ये कौन सा पोर्शन है और ये नॉन करंट? 23/26 40, ये भी ओहो इत्तेफाकन 49 आ गई। आगे इंटरेस्ट पेएबल, एज ऑन 31/12/17 बोल रहे हैं, एज ऑन 31/12/17, 31/12/17 का जो इंटरेस्ट है, 31/12/17 का इंटरेस्ट। सर आपको कैसे पता चला ये 5 है? मैं एक लाइन लगाने लगा, वहां से आपको याद आएगा कि ये 17 का इंटरेस्ट है, ये जनवरी 17 से 31/12/17 वाला जकन जनवरी 18 को पे हो रहा है, तो ये 17 का इंटरेस्ट है, तो 17 का पेएबल बनाए 5। और टैक्स वालों की नजर में लीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उन्होंने एंट्री की होगी, इस साल उन्होंने एंट्री क्या की होगी?
इस साल उन्होंने ये 2800 रुपए एक्सपेंस में डाले होंगे, 17 में जो पेमेंट हुई वो पेमेंट बेस पे चल रहे हैं ना, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ये वाला 2800 उन्होंने किया होगा, ऐसा ही है। लेकिन अब करंट टैक्स की वर्किंग तो मैं बना नहीं रहा, ना मुझे इंटरेस्ट रिवर्स करना है, ना मुझे डेप्शन रिवर्स करनी है, ना मुझे रेंटल माइनस करने है, तो टैक्स बेस टैक्स वालों की नजर में जीरो होगी। अब रूल्स लगा दें, ये एसेट है, ये दोनों लाइबिलिटी है, इधर पहला रूल लगेगा और इधर तीसरा रूल लगेगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 49 मैं कर देता हूं, आसान है, 5 डन, अगला भी फिल कर लेंगे, वो एक ही दफा आखिर में 30% रेट लगा के। ओके, उधर रखो उधर रखो उधर रखो, आप ले आओ इधर। तो ये बैलेंस शीट हम बनाया करते थे तकरीबन तीसरी क्लास में लीज की, ये बैलेंस शीट नाली थी, और एक सफा भी था किताब पे जिसकी इसकी समरी दी हुई थी, कौन सा पेज था, 64 पेज, नहीं लीज की समरी नहीं मैं कह रहा, ये IS-12 के साथ लीज की समरी दी हुई थी एक सफे पे, तो IS-12 के चैप्टर के एंड पे सफा था 271 पे करंट टैक्स की समरी भी दी हुई थी और डेफर टैक्स की भी दी हुई थी। भाई ने हाईलाइट की हुई चीजें, दोनों भाइयों ने, एक ने सबस से, एक ने जो है वो ऑरेंज से, डन। ओके, चलें जी आखिरी एडजस्टमेंट, मुतवज्जे होकर गौर से बात सुनिएगा। ये मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि हमने IS-37 नहीं पढ़ा हुआ, हमने प्लांट को चंद सालों पर डिसमेंटल करना है और उसके कॉस्ट में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, तो जितना मैंने हाईलाइट किया है इसको आप हाईलाइट कर लें, और ये इंशाल्लाह जब हम IS-37 करेंगे तो फौरन, कई सालों से मेरी आदत है इस सवाल में, हम वापस आएंगे, आपको Volume 1 उस दिन मैं कहूँगा घर से ले आएँ, जब Volume 2 में हम बैठे होंगे, आप Volume 1 घर से लाएंगे और इस सवाल में हम फौरन वापस आएंगे और वापस आके इस एडजस्टमेंट को करेंगे। लेकिन अभी हमने IS-37 नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए इस अंग्रेजी के फिक्रे को आपने नहीं पढ़ना, पीछे जो येलो में रह गया वो मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि हमारा सवाल खत्म हो जाए। अच्छा, कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है PPE की, वो आपको जरा मैंने दिखानी भी है और रिवाइज भी करवानी है। टैक्स वालों की अभी कर लेते हैं, अकाउंटिंग वालों की मैंने आपको करवा दी हुई है। ऑन 1 जुलाई 17 हमारे साल के मिड में हमने, सादा सी बात है, 4 बिल्डिंग्स में से कोई एक बिल्डिंग हमने क्या कर दी है, बेच दी है, इसका मतलब है पड़ी कितनी थी, 4, बेची कितनी, 1, बड़ी टेंशन चाहिए थोड़ी सी। दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 13, ये बिल्डिंग कब एक्वायर की थी, 1 जनवरी 13 को, एट अ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की एक्सटेंसिव रिविजन होने लगी है, इट विल ईट अप इजिली ओवर 25 मिनट्स, इट विल टेक अप इजिली, हम एक्सटेंसिव रिविजन करेंगे शॉर्टकट समेत सारी चीजें। ऑन 1 जुलाई 17 है, 2.5 लाइनें लेकिन पूरा टाइम ले जाएंगे हमारा। ऑन 1 जुलाई 17 RL सोल्ड वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स फॉर 60 मिलियन, दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी, डेटा बड़ा आसान है, 1 जनवरी 13 एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। तो 2013 के शुरू में 4 बिल्डिंग्स खरीदनी थी, कितने रुपए वाली, 100 रुपए वाली, और उनमें से आज एक बेच दी कितने की, 60 की, ईच हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 इयर्स। ये अकाउंटिंग वालों के डिविडेंड का रेट होगा। टैक्स डिविडेंड रेट फॉर ऑल ओन्ड एसेट इज 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और टैक्स वाले खरीदने के साल में फुली डेप्रिशिएट करते हैं, खरीदने के साल में तो वैसे भी फुली डेप्रिशिएट करने क्योंकि खरीद ही सारे 1 जनवरी 13 को रहे हैं, इसलिए वो तो हमें पहले टेंशन नहीं, और टैक्स वाले कहते हैं यार बेचने के साल में हमने डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करनी। तो पहले अकाउंटिंग वालों की बात कर लेते हैं, ये हमने कैलकुलेशन की थी क्लास में, ये कैलकुलेशन की थी हमने क्लास में। 1 जनवरी 17 को मेरे पास कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हुई थी, साल के मिड में एक बेची है ना, तो साल के शुरू में कितनी पड़ी हुई थी, 4, उन 4 की कॉस्ट क्या थी, मैंने एसेट अकाउंट बना रहा हूँ बुक वैल्यू पे, 4 की कॉस्ट थी 400। अब देखना यह है कि 1 जनवरी 17 यानी हमारे साल के शुरू में ये बिल्डिंग्स कितने साल इस्तेमाल हो चुकी थी, 2013, 14, 15, 16, 4 साल इस्तेमाल हो चुकी थी, तो इन 4 बिल्डिंग्स को 30 साल में डेप्रिशिएट करना है, तो ये फैक्टर 1 साल के डिडक्शन देगा और ये फैक्टर 4 साल के डिडक्शन देगा, तो इट इज अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ब्रॉड डाउन ऑफ 1 जनवरी 17, ब्रॉड डाउन कॉस्ट माइनस ब्रॉड डाउन अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू। नेक्स्ट, अगली चीज ये थी कि जो बिकी हुई बिल्डिंग है
वो जब बिकी तो उसकी बुक वैल्यू क्या थी? वो 100 उसकी कॉस्ट थी, वो 13, 14, 15, 16, 17 का आधा साल, 4.5 साल इस्तेमाल हुई थी। तो अगर कॉस्ट में से 4.5 साल की डिडक्शन माइनस कर दें तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगी 30 जून 17 की, जिस दिन आपने ये बिल्डिंग बेची, या जकम जुलाई 17, जो भी आप कह दें, ये आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, डेप्रिसिएशन के लिए मेथड स्ट्रेट लाइन है, 30 साल है मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो बड़ा आसान है। 400 ओपनिंग बिल्डिंग्स थी, कॉस्ट पे डेटा लें, अकाउंट में बुक वैल्यू पे बना रहा हूं लेकिन आसानी के लिए ताकि जल्दी बन जाए, लेकिन डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन पे आएगी। 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 30, ये 3 बिल्डिंग्स की 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे साल की। एडिशन है कोई नहीं, बिकी हुई बिल्डिंग हमारे साल 6 महीने इस्तेमाल हुई तो उसकी डिप्शन आ गई 2, ये 12 डेप्रिसिएशन आ गई और कैरेड ऑन बैलेंसिंग आ गया 250। तो बुक वैल्यू मुझे बता दें पीपीई की कितनी है? 250। ये हमने इजी मार्क्स गेन कर लिए पेपर में, बुक वैल्यू 250 लिख के। ये क्या आ गई बोले? कैरिंग अमाउंट एज पर कौन से रूल्स? IFRS। अच्छा, यहां पर मैंने आपका टाइम जाया किया था और मैंने कहा था कि अगर आपका दिल चाह रहा है एस पर कमेडक्शन अकाउंट अलग अलग बनाए तो इतना डाटा अवेलेबल है कि बन सकता है अलग अलग। असल में जिन सवालों में ब्रॉड ऑन बीवी दी हो ना, उन सवालों में फिर एस रिकमेंडेशन अकाउंट अलग अलग नहीं बन सकता, लेकिन इस सवाल में ब्रॉड ऑन बीवी दी भी थी इस वजह से अलग अलग भी बन सकता है। अलग अलग तो बढ़ाना बड़ा आसान, 400 माइनस 100 300, और ब्रॉड डाउन अकोमोडेशन 53। ये आप लोगों ने कैसे निकाली थी? कैलकुलेटर पकड़े, ये आप लोगों ने अभी निकाली थी ब्रॉड डाउन, 400 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 4 कितनी आ गई? 53। डिविजन अभी निकाल लिया मैंने 12, और डिस्पोजल्स की जहां मुझे अब बीवी नहीं चाहिए, यहां मुझे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। अब डिस्पोजल की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 100 डिवाइडेड बाय 30, ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, मुझे चाहिए 4.5 साल की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कितनी आ गई? 15, और कैरी डाउन 50। अब 350 का डिफरेंस 250। तो देयर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग बीवी। नंबर 1 तरीका, प्रिपेयर अकाउंट ऑन बुक वैल्यू, एंड नंबर 2 तरीका, कॉस्ट और अकोमोडेशन अकाउंट बनाए। खींच लो ये वाली तस्वीर भी, खींच लो फिर मैं दूसरी भी दिखा देता हूं, वैसे तो नोट किया हुआ मेजोरिटी ने। ओहो, ये वर्किंग नंबर हमारी कौन सी बन गई? वर्किंग नंबर 4 बन गई। तो ये वर्किंग नंबर 4.1 हो गई और ये वर्किंग नंबर 4 हो गई। फोर और 4.1। अब किन के मुताबिक आपने टी अकाउंट बनाने? टैक्स रूल्स के मुताबिक। डेटा याद है या सवाल बार बार खोलने की जरूरत पड़ेगी? डेटा याद है, डेटा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 100 वाली 4 बिल्डिंग साल के शुरू में पड़ी थी, इस साल 100 वाली बिल्डिंग 60 रुपए में बेच दी, लेकिन 60 रुपए में बेचना इग्नोर करना है आपने, वजह सुने क्यों? क्योंकि डिस्पोजल का गेन लॉस निकालने की जरूरत नहीं, करंट टैक्स की वर्किंग उसने मांगी नहीं। और टैक्स वाले कितने परसेंट डिप्रिशिएट करें? कौन सा मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। खरीदने के साल में फुली डिप्रिशिएट करना है और बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं करना। अच्छा जी, अब आप हजरात एक शॉर्टकट जरा सीखिएगा ताकि वो शॉर्टकट यहां पर लग जाए। पहले मैं थोड़ा लॉन्ग कट के तरीके से चलता हूं, पहले प्रॉपर तरीके से हम चलते हैं। वर्किंग नंबर 5, एग्जीक्यूशन की अच्छी रिवीजन है, सवाल बहुत आसान है। पीपी बुक वैल्यू टैक्स वालों के मुताबिक, टैक्स रूल्स के मुताबिक। गुड, अच्छा सवाल आपने पूछा, टैक्स रूल्स के मुताबिक। भैया 3 वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, अब देख लें। ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू की वर्किंग क्या करनी पड़ेगी? एक नहीं, कैरेट ऑन ब्लेसिंग आएगा। ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू की वर्किंग करनी पड़ेगी, डिस्पोजल की WDV की वर्किंग करनी पड़ेगी और डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये 3 वर्किंग्स मैं आपके सामने करने लगा। मुझे यकम जनवरी 17 की बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू चाहिए, ब्रॉड डाउन बुक वैल्यू चाहिए, किन की? चारों बिल्डिंग्स की, क्योंकि साल के शुरू में तो चारों पड़ी थी ना। तो ये पहले वर्किंग में कर लेता हूं, 5.1 वर्किंग 5.1। अच्छा जी, कॉस्ट यकम जनवरी 13 को सारी बिल्डिंग्स की कितनी? 400। डेप्रिसिएशन 13 की बताएं, 400 ज़रब 10% 40, 360।
डेप्रिसिएशन 2014 की 360 जरब 10% 36 400 वाली बिल्डिंग्स पिछले सालों में तो इस्तेमाल होती नहीं ना, हमारे साल एक भी की उसमें से 324 डेप्रिसिएशन 2015 32 करें, चलें ठीक है 32 करें ठीक है 292 डेप्रिसिएशन 2016 29 263 वट इज दिस, दिस इज WDV ऑन 31/12/16 ये WDV है, या ऐसे पसंद करें कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड। अब डायरेक्ट बुक वैल्यू निकल आई हमारी, तो 263 इज अ ब्रॉड बुक वैल्यू। इसी तरह की वर्किंग करें, लेकिन आप डिस्पोजल के लिए करें या इस बिल्डिंग के लिए करें, डिस्पोजल के लिए करें। डेप्रिसिएशन भी इंशाल्लाह मैं निकालूंगा, डिस्पोजल्स की भी मुझे क्या चाहिए, बुक वैल्यू। वर्किंग 5.2, वर्किंग 5.2 डिस्पोजल वाली कितने की है, 100 की है। हमें डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है। हाँ वो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन यार मैनुअली चलो, बाकी चीजें भी फिर जरा कंट्रोल में रहे। कॉस्ट कितनी है इसकी, 100। ये जो बिकी हुई बिल्डिंग है 13 में डेप्रिशिएट हुई होगी, क्या ये 14 में डेप्रिशिएट हुई होगी, क्या ये 15 में डेप्रिशिएट हुई होगी, क्या ये 16 में डेप्रिशिएट हुई होगी, 7 66। एक मैं गलत काम करने लगा हूं, पहले मुझे करने दीजिएगा, सारे बोलिएगा ना। डेप्रिसिएशन 2017 66 इंटू 10% इंटू 6/12 क्योंकि बेचने वाले साल में कितने महीने इस्तेमाल हुए, 6 महीने इस्तेमाल हुए। ये मैं कर देता अगर सवाल में ये लाइन ना लिखी होती कि नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, लेकिन सवाल चीख चीख के पुकार है कि बबलू बेचने वाले साल में डेप्रिशिएट नहीं करना, तो मैं ये करके बेचने वाले साल में डेप्रिशिएट नहीं करना, तो इस जी बिल्कुल तो अब होगा ये कि ये है तो ओपनिंग बुक वैल्यू, लेकिन डिस्पोजल के दिन की भी बुक वैल्यू में यही समझ लूंगा। तो डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू चार्ट कहते हैं इसे। ओके चलें जी आगे, अब क्या कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन। मशहूर जमाना डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन। पहले जरा समझ लें, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद नोट करने का अन्ना टाइम दिया जाएगा। मोर देन सफिशियंट कहते हैं अंग्रेज। डेप्रिसिएशन चलें जी, ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बीवी ऑफ डिस्पोजल्स। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बीवी ऑफ डिस्पोजल्स। व्हाट इज ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स, लकीली ये इधर ही गिवन है, ये कुछ सोचने नहीं पड़ी, ये इट इज ओपनिंग बीवी ऑफ बिका हुआ एसेट। सारों की ओपनिंग बीवी 263, इनकी ओपनिंग बीवी 66। इन बिल्डिंग्स को आप डेप्रिशिएट करते हैं पूरा साल, क्योंकि ये तीन बिल्डिंग हैं। क्या जवाब आ गया, 20। एडिशन हमारे सवाल में है कोई नहीं। डिस्पोजल की जो डेप्रिसिएशन है वो 6/12 वाली में लेता अगर मैं कैलकुलेट करता, लेकिन मैंने ली नहीं, कैलकुलेट नहीं की, इसलिए मैं इसको यहां लिखूंगा भी नहीं। नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना। इसी भालू को नीचे उतार लें। 20 डेप्रिसिएशन 20 177। तो टैक्स वालों की बीवी ने बहुत तंग किया तो ये 177 आ गई। अब हम बीवी कैलकुलेट करने के शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे। नोट कर लें आप, हाँ फिर भी सही था बिल्कुल सही है। तरीका असल में क्लास में वो कराया जाता है जो हर किस्म के सवाल पे चल सके, इस वजह से जरा ऐसे करवाया।
ओके उधर ही रखो, उधर ही रखो, अन्ना टाइम का था। पता नहीं कल हम रिवैल्यूएशन शुरू करें क्या करें, रिवैल्यूड एसेट को IS 12 के साथ मिक्स करना है, IS 16 की रिवैल्यूएशन, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अच्छा जूम की ऑनलाइन मीटिंग होती है, ये मैं वहां लिख देता हूँ और लिख के फिर 5-10 मिनट बच्चे भी चुप बैठे रहते हैं, मैं भी चुप बैठा रहता हूँ। तो जब मैं पूछता हूँ कि क्या है तो वो पता चलता है कि बस हम ये सुनने आए थे कि दूसरे का सवाल पूछ रहे हैं, तो दूसरे भी बस। ओके जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है लेक्चर कैसे कवर करें पिछले। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है। अच्छा तो आगे आने वाले दिनों में तो भाई टाइम मिलना नहीं, अभी कर लें कवर, लेकिन ये लेक्चर आप पता नहीं कब ले रहे हैं। ओके अच्छा जी, एक एसेट है 300 रुपए का, इसका डेप्रिसिएशन रेट है 15%, WDV, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ले आओ इधर कैमरा, लाए हुए को क्या लाना, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है जी। तो पहले मैं जरा 2 साल की वर्किंग आपके सामने करने लगा हूं, शॉर्ट लॉन्ग कट तरीके से फिर शॉर्टकट से। कॉस्ट बोलें जी 300, पहले साल की डिडक्शन 15% लगाएं 45, मैनुअल तरीका चल रहा है, डेप्रिसिएशन एट 15%, फिर दोबारा डिडक्शन लगाएं एट 15%, 38, 217। नाउ आई विल ट्राई टू कैलकुलेट इट डायरेक्टली, आई विल ट्राई टू कैलकुलेट इट डायरेक्टली। सो हाउ आई कैन रीच एट 217 डायरेक्टली इज आई विल होल्ड 300 एंड विल मल्टीप्लाई इट विद 85%, बट इट विल गिव मी 255, राइट? 300 मल्टीप्लाइड बाय 85%, इट विल गिव मी 285 एंड 255 दे रहा है, एंड देन आई एक्चुअली नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग 255 विद 85%। अब मैं दोबारा 85% से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब जरा जवाब देखें क्या आ रहा है, 217। तो ये देख लेंगे, ये 2 तरीके हैं डायरेक्ट WDV निकालने के। डायरेक्ट WDV निकालने का एक तो लॉन्ग कट तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है। डिडक्शन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिडक्शन आएगी, लेकिन अगर आप 85% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, WDV आएगी। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। सो लेट अस मटीरियलाइज दिस दीज 10 मिनट्स ऑफ अवर क्लास व्हेन यू पीपल आर देयर सिटिंग एंड आई एम स्टैंडिंग। मतलब यह है कि इस वक्त को कीमती बनाएं जिसमें आप बैठे हुए और मैं इधर खड़ा हूं। ओके सो इफ आई डू हैव सम अकल देन आई कैन अवॉइड वर्किंग 5.1 इन माय पेपर इंस्टेड ऑफ उर्दू। इसके अलावा इसकी बजाय कि मैं वर्किंग 5.1 करूं, मैं ऐसे कर सकता था, मैं ऐसे कर सकता था कि मैं पकड़ता 400 इधर आप, अच्छा 400 को मल्टीप्लाई 85 से नहीं हो पाएगा, रेट 10% है तो वो और सवाल था, वो फिक्रें ज़ूम की भी थी, 85 नहीं 90। ओके ओके सारे हाथ हिला दें, सारे हाइब्रिड वाले हाथ हिला दें। ओके ओके चलें, बहुत हो गया। अच्छा 400 जरब 90%, और क्या सोचूं, मैं सोचूंगा 31/12/13 की बीवी आ गई, लेकिन मैं आप 31/12/14 की बीवी कैलकुलेट करना चाहता हूं, नहीं मैं 31/12/15 की बीवी कैलकुलेट करना चाहता हूं, नहीं 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 मैं तो 31/12/16 की बीवी कैलकुलेट करना चाहता हूं। इज इक्वल टू का बटन दबाएं, बीवी बदल गई, कितनी आ गई, थोड़ी सी 262.4 राउंड अप करने चले 263 कर लें। डन जी, जी अच्छा जी क्या डायरेक्ट निकल आया 263। अच्छा जी अब डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू भी निकालें शॉर्टकट तरीके से। आपकी कौन सी वर्किंग अवॉइड होने लगी है,
5.2 वाली वर्किंग आपकी अवॉइड होने लगी है। आप साइड पे तशरीफ ले जाएं, आप इधर हो जाएं, आप भी इधर हो जाएं, छतरी इनके ऊपर कर दें, चलें जी। अब आप मुझे बताएं, ये जो बिल्डिंग बेची है कितने की खरीदी थी? 100 की। ये जो 100 की आपने क्या कहते हैं खरीदी थी, इसको अगर मैं 90% लगाऊं तो ये 31/12/13 पे लाके मुझे खड़ा कर देगा। फिर 90% लगाऊं, 31/12/14 पे लाके खड़ा कर देगा। फिर 90% लगाऊं, 31/12/15 पे लाके खड़ा कर देगा। फिर 90% लगाऊं तो 31/12/16 पे लाके खड़ा कर देगा। तो 31/12/16 पे लाके जब मुझे खड़ा करेगा तो 31/12/17 पे मैंने आना ही नहीं, ना 30/17 पे मैंने आना है। तो मैंने तो बेचने के साथ में डिफेक्ट करना ही नहीं। इसलिए अच्छा कल ना मैं ये सवाल आपको करवाऊंगा, ये अज्यूम करते हुए कि बेचने के साल में डेप्रिशिएट करना है, और फिर उसमें ये वाला भी करेंगे और शॉर्टकट करके भी देखेंगे। तो इस सवाल को भी हमने टाइम देना है। फिलहाल मुझे हाँ इसी को जान ले लेंगे इसकी। अच्छा अब आप मुझे ये बता दें, क्या मेरी WDV निकल आई? किस दिन की? अच्छा डेप्रिसिएशन के लिए कोई शॉर्टकट अकेले में बैठ कर नहीं निकालना, डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्टकट और लॉन्ग कट है वर्किंग 5.3। आप बता दें ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है? अब ये आपकी आंखों के सामने नहीं है जिगर मेरे चांद, अब ये आपकी आंखों के सामने नहीं है। अब जरा गेम उठने लगी है, अब ये आपकी आंखों के सामने नहीं है। अब वाजे तौर पे नजर नहीं आ रहा ये बीवियां कौन सी वाली हैं। अब क्या करना है, अब सोचें कि क्या ये 1 जनवरी 17 वाली सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है, और ये 1 जनवरी 17 या 31/12/16 ही की बिके हुए एसेट की है, या बिकने के साल भी डेप्रिशिएट हुई है, ये किस दिन की बीवी है? 31/12/16 की ही है। तो सारे एसेट्स की ओपनिंग बीवी में से अगर बिके हुए एसेट की बीवी माइनस कर दें तो वो बिल्डिंग्स बच जाएंगे जो पूरा साल इस्तेमाल हुई, उन पे कितने परसेंट लगा दें? अब इस 263 को नीचे बुलाने, इस 66 को नीचे बुलाने, और ये आपने रेट लगा देना। लेकिन अगर सवाल में लिखा होता कि डेप्रिशिएशन करें बिकने के साल में, तो चीजें इतनी आसान ना होती, वो फिर कल करेंगे। चीजें फिर इतनी आसान ना होती, फिर थोड़ा हमें ज्यादा सोचना पड़ता चीजों में। फिलहाल ये बात खत्म हो गई है, जो सोचने सोचने वाला काम है वो कल कर लें। इसका शॉर्टकट नोट कर लें, इसका शॉर्टकट नोट कर लें, किसी डिफरेंट कलर की बॉलपॉइंट से कीजिएगा ताकि लॉन्ग कट अपनी जगह मौजूद रहे। जी पेपर में ये शॉर्टकट करेंगे, पेपर में फिगर वर्कआउट करने के मार्क्स होते हैं, ऐसे वर्कआउट कर दें या ऐसे वर्कआउट कर दें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक आपको ड्रॉप सीन बताने लगा हूं, ड्रॉप सीन। आई कैप ने इनमें से कुछ भी नहीं किया था, आई कैप ने टी काउंट नहीं बनाया था, आई कैप ने क्या किया था, आई कैप ने कहा साल के एंड पे पड़ी ही 300 है, तो 2013 2014 2015 2016 और 2017 आई कैप ने सिर्फ ये किया था, आई कैप ने तो टी काउंट भी नहीं बनाया था। मैं तो इसलिए बनवा रहा था कि कल ना को सवाल में डाटा कुछ इस तरह का आ जाए तो हैंडल का नाम आए, एडिशन डिस्पोजल आ जाए। आई कैप ने तो ये किया था, तो ये जरा करके देखें जवाब 177 ही आ रहा होगा। ये तो खीर ही है ना, अब ये इतनी तो अब हमारे से ना चाहे वो, तो ये तो बिल्कुल ही खीर है कि जो बिल्डिंग बिक गई वो तो है ही नहीं, जो बिल्डिंग बिक गई वो तो है ही नहीं, तो रह कितनी गई? 300। तो 300 को आप 2013 में डिफिट करें, 14 में डिफिट करें, 15 में करें, 16 में करें, और 17 में भी कर दें, पूरा साल कर दें बाकी तीन बिल्डिंग्स को, तो ये क्या बच गई? 177। बंद कर दें किताबें, नहीं यार याद हो गई। अच्छा पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने होमवर्क में करना है, उसमें वो कल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 5 में रेट कितना है? 35। 6 में कितना है? 35। ना 5 में मसला होगा ना 6 में मसला होगा। 7 का कैरी डाउन कितने पे निकलेगा? 30 पे। और 7 का ब्रॉड डाउन? 35 पे निकलेगा। 7 का ब्रॉड डाउन निकलेगा, क्लियर? ये वही वाला जो रेट चेंज वाला इफेक्ट है वो डालेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी रिकॉन्सिलिएशन जो है वो मैच कर जाएगी। अच्छा एक मिनट, टेस्ट नंबर 5 था ना, टेस्ट नंबर 5, इसमें एक एक दो दो पॉइंट जो जो हमारे डिस्कस होते रहते हैं वो मैं करता रहता हूं। पॉइंट 4, असल में मैंने आपको पॉइंट 1 करवाना है, 2 उस पर टाइम लगना है मुझे कल। पॉइंट 2, पॉइंट 4 प्रोविजन टेस्ट था आपका, इसलिए भी आपके सामने एक सवाल नहीं होगा। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एज एट 31/12/20 वाज 23, ये कैरी डाउन था या ब्रॉड डाउन था?
तो ये जो फिगर होगी ये भी एज इट है ना, तो ये क्या हो गया ब्रॉड डाउन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं, ब्रॉड डाउन कितना और कैरी डाउन 23। टैक्स वाले ये काली पट्टी, टैक्स वाले ग्रेचुटी को तब माइनस करने जाते हैं जब क्या हो जाए पे हो जाए। अब खर्चा भी मिसिंग है पेमेंट भी मिसिंग है, तो फिर किसी एक साइड पे बैलेंसिंग ले लें, किसी एक साइड पे हमारी मर्जी नहीं होगी, टी कौन बताएगा। तो किस साइड पे बैलेंसिंग आ रहे हैं, बैलेंसिंग आ रहे हैं कितना 5। तो करंट टैक्स की वर्किंग में आपने 5 को ऐड कर देना था और आपने लेस कर देना था 0, और कैरी डाउन आ जाना था आपका 23, वो डेफर टैक्स की वर्किंग में चले जाना था। लीज में एक मजे की बात थी, इधर देखें, ऑन 1 अप्रैल 2020 हमारा ये रेंट था 31 दिसंबर 2020, ऑन 1 अप्रैल 2020 प्लांट वॉज रिकॉर्ड ऑन लीज फॉर 4 ईयर एट एनुअल रेंटल ऑफ 40 पेबल इन एरियर। तो पहला किराया पे होना था 31 मार्च 2021 को, तो देर वर नो पेमेंट्स, देर वर नो पेमेंट्स आपकी कोई नहीं थी, लेकिन इंटरेस्ट 9 महीने का करंट टैक्स में उल्टाना था, डेप्रिसिएशन 9 महीने की करंट टैक्स में उल्टानी थी। रेंटल्स एक्रूअल पे नहीं चलते, रेंटल्स पेड पे चलते हैं, रेंटल्स आर अलाउड व्हेन पे ही कब होना था पहला किराया। लेकिन अगर सवाल एडवांस का होता तो फिर आधा उधा कोई नहीं, फिर एग्जैक्ट 1 अप्रैल 2020 को पूरा 40 पे होना था, फिर आपने माइनस कर देना पूरा 40। लेकिन फिलहाल 40 क्यों नहीं माइनस करना था, क्योंकि किस साल पे हो रहा है, अगले साल पे हो रहा है। राइट ऑफ यूज निकालते हुए कितने महीने की डिडक्शन माइनस करनी थी, 9 महीने की डिडक्शन माइनस करनी थी। इंटरेस्ट पेबल कितने का आना था, 9 मंथ्स का आना था, और लीज लाइबिलिटी तो हमारे साल के पेमेंट के नीचे लाइन लग के करंट और नॉन करंट में लग हो जाना था। फास्ट पेपर क्वेश्चन 5 होमवर्क।